हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानू वाइंस ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप लोग अच्छे हैं। और चलिए आप लोगों को ले चलते हैं सीबुट्स एक में एक सीबुट्स मॉल है। वहाँ पे एक स्नो वर्ल्ड करके एक जगह है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी और मैं उससे निकल गई सीबुट्स के लिए। और सीबुट जगह पे एक सीबुट्स मॉल है, स्टेशन पे ही है। जैसे स्टेशन पे आप निकलते हैं तो, और उसके अंदर एक स्नो बर्ड करके है, तो मैं वहीं पे आप लोगों को आग ले चल रही हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा बना है, वहाँ पे क्या है। जैसा कि गर्मी बहुत हो रही है और थोड़ा सा ठंडे का मज़ा लेने के लिए मैं वहाँ पे गई थी और मैंने खूब इंजॉय किया। और आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो शूट कर ली और आप लोगों को दिखाऊँगी कि अंदर कैसा था और कैसे गई मैं। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ, वहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। मैंने टिकट लिया और टिकट का प्राइस है पर पर्सन 600 रुपीज़। ये एंट्री फीस है वहाँ पे। और इसके बदले आप लोगों को वहाँ पे जैकेट मिलेगी, शूज़ मिलेगा, सॉक्स का अलग से चार्ज है वहाँ पे 50 रुपीज़। तो ये देखिए, ये है स्नो वर्ल्ड के बाहर का व्यूज़। और चलिए आप लोगों को अंदर ले चलती हूँ। और ये देखिए, स्नो वर्ल्ड बना हुआ है, इस कुछ इस टाइप का बना हुआ है। फिर मैं टिकट ले ली, मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं थोड़ा सा मॉल भी घूम ली और स्नैक्स इंजॉय किया। बिकॉज टाइम हो गया था लंच टाइम, तो मैंने थोड़ा सा स्नैक्स इंजॉय किया। और अंदर जाने के लिए स्नैक्स में मैंने लिया कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज, चीज़ फ्रेंच फ्राइज़, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैंने अच्छे से इंजॉय किया, खाया, और उसके बाद मैं रेडी हो गई स्नो वर्ल्ड के जाने के लिए। और चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है। और ये देखिए, ये मैंने टिकट लिया था, आप लोग देख लीजिए ऐसा टिकट होता है, 600 रुपीज़ पर पर्सन। और ये देखिए स्नो वर्ल्ड। और मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाने के बाद यहाँ पे बैग्स वगैरह जो ले जाते वो आप वहाँ अंदर रख सकते हैं, और मैंने भी वही किया, मैंने रखा। और लाइन से सब लोग जा रहे थे, अपना अपना जैकेट और शूज, सॉक्स, ग्लव्स, जो भी वहाँ पे मिलता है पहले हम बाहर उसको कैरी कर लेते हैं। और मैं उसको पहन ली। देखिए, ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अंदर कैसा बना हुआ है। और ये देखिए, ये मैंने एंट्री की। एंट्री करते ही अंदर इतना ठंडा था, ऐसा लग रहा था गर्मी का कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रहा था, लग रहा था कितनी ठंडी है। और ये देखिए, पूरा स्नो है अंदर, और बहुत सारे कार्टून्स कैरेक्टर भी बने हुए हैं और डेकोरेशन भी की हुई है, और केव्स वगैरह, आइस स्लाइडिंग वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे पूरा व्यूज़ बनाया गया है ताकि लोग इंजॉय कर सके, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए कितना मस्ती किया, स्नो वर्ल्ड लिखा हुआ है वहाँ पे, मैंने खूब सारी मस्ती की। और ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, जो भी आप अंदर ऑर्डर करते हैं वो आपको मिल सकता है। हाँ, बहुत लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, मैंने तो अभी नहीं टेस्ट किया यहाँ पे, बट कभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ट्राई करूँगी। और क्योंकि मैं बाहर से कॉफ़ी पी के आई थी। और ये देखिए, इतना ठंडा, तो मैंने तो अपना फेस भी ढक रखा था, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। और ये देखिए, ये ऊपर जाने के लिए बना हुआ है, ऊपर एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है, मैं उस पे जाके मैंने वीडियो शूट कराई। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं कहीं और आई हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बर्फीली जगह पे आई हूँ जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है। और बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था, बहुत ठंडी थी। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया ये गर्मी के मौसम में, ऐसा ठंडा प्लेस, बर्फीला प्लेस यहाँ पे। और ये देखिए,
और आप लोगों को कैसा लग रहा है देख के आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि किसको किसको अच्छा लगा, और जिसको जिसको जाना है वो यहाँ जा सकता है और इन्जॉय कर सकता है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और ये मुंबई में है, मुंबई के शिवुड में। तो आप लोग भी जाइए और इन्जॉय करिए, मैंने तो खूब इन्जॉय किया, आप लोग जैसा कि मुझे देख ही रहे होंगे। ये पूरा बर्फ़ का बना हुआ स्लैब, इस पर बैठी तो मुझे बहुत ठंडा लगा और मैं इसीलिए इतना हंस रही थी। और ये देखिए, ये फ़ोटोशूट के लिए भी बना हुआ है, यहाँ पे फ़ोटोशूट वीडियो शूट जो भी करना है आप कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने इन्जॉय किया अपना टाइम बर्फीली बर्फीली जगह पे, किसको किसको अच्छा लगता है। अंदर बहुत सारी म्यूजिक्स बजती है, सॉन्ग्स बजते हैं, बहुत मज़ा आती है, आप डांस भी कर सकते हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, ये केव्स बना हुआ था और मैं केव्स के अंदर भी गई थी, इतना मज़ा आ रहा था इसके अंदर जाने में। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, बट फिर आफ्टर 15 मिनट मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, ठंडा था, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी थी, बट उसके बाद अच्छा लगने लगा, सेट हो गया वेदर। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने स्लाइडिंग भी किया था, आइस स्लाइडिंग, और आइस स्लाइडिंग जा करने के लिए मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर गई, मैंने पहले तो डर लग रहा था बट मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खूब इंजॉय किया। और मैंने कई बार किया, एक दो बार किया आइस स्लाइडिंग। और अंदर का टाइमिंग सिर्फ 45 मिनट्स होता है, आप 45 मिनट्स तक ही अंदर रुक सकते हैं, उसके बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलते ही वो ठंडा काफ़ी टाइम तक मुझे ठंडा लगता रहा, एक दो घंटे तक तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अंदर ही हूँ, इतना ठंडा लग रहा था। और ये देखिए कितने सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, बट अच्छा लगा। और यहाँ पे स्केटिंग का भी है, आइस पे स्केटिंग करने का, वो मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे स्केटिंग नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा हार्ड था आइस स्केटिंग। मैंने ट्राई करने के लिए मैं गई, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो जिसको जिसको स्केटिंग आती है वो ट्राई कर सकता है, ट्राई किया वो कर सकता है, बट मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं वापस आ गई बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था, तो मैंने तो नहीं किया। और देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इन्जॉय किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। और ये देखिए, मैं आइस स्लाइडिंग कर रही थी, देखिए कितना मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मैं निकल गई बाहर निकल के मैं थोड़ा सा आप लोगों को मॉल दिखाती हूँ जब मैं घूमी तो। और फिर मैंने बाहर आके गरम वाली कॉफ़ी गरम गरम, तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। और ये देखिए, ऑक्टोपस था जो कि ओपन हो रहा था। ओके गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बाय, थैंक।